हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ जो आप फेस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे इस इशू को फेस कर रहे हैं। द इशू इज स्पोकन इंग्लिश, इशू इज इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ बातें जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं या आप इंग्लिश सीखने में डरते हैं। वो बातें हैं क्या? नंबर वन, आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज और मैं तो नहीं सीख सकता हूँ, या ये मेरे बस की बात नहीं। नंबर टू, कि हम इसको सीखें कहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन विच इज इन योर माइंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग, भाई कि सीखे कहाँ से, देर आर राइट। नंबर थ्री, हमें इंग्लिश सिखाएगा कौन, बिकॉज हमें इंग्लिश की ABCD तक नहीं आती। ऐसा आपको फील हो रहा है, इसलिए यू आर थिंकिंग लाइक दैट, राइट। नंबर फोर, जो सबसे फनी डाउट है, भाई ये बहुत ही महान लैंग्वेज है, इसको केवल ग्रेट पर्सनालिटी ही सीख सकते हैं, बाकी सबकी बात एक नॉर्मल बंदा नहीं सीख सकता है, और नॉर्मल स्टूडेंट कैन नॉट लर्न इट। इट इफ यू आर मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। और जो अगर डाउट ये कि इसको सीखने में बहुत सारा समय लगेगा, जो शायद आपके बस की बात नहीं, या जो आप समय दे नहीं सकते, इसलिए आप ये भाषा नहीं सीख पा रहे। माई डियर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट सबसे पहली बात कि इंग्लिश को डोंट कंसिडर ए वेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज। हाँ, ये है कि इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है, बट ऐसा नहीं कि इंग्लिश इज द टॉप मोस्ट। इंग्लिश को आप उतनी ही महत्व दीजिए जितना कि बाकी लैंग्वेज है, इसका उतना ही वैल्यू है ऑफ लाइक अदर लैंग्वेज। सबसे पहला डाउट जो आपका ये है कि इंग्लिश एक बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ये पूर्णतः गलत है। इंग्लिश सीखना उतना ही आसान है जितना कि बाकी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, जिस तरह आप हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, देर आर सो मैनी लैंग्वेजेज, राइट। तो आप इंग्लिश को भी उतने ही आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले बात, आप इस डाउट को हटा दीजिए कि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज़ इजीएस्ट लैंग्वेज, जब आप सीख लेंगे तो आपको इजीएस्ट लगेगी, क्योंकि ये फैक्ट है, कोई भी चीज़ जो हमें पहले डिफिकल्ट लगती है, दैट सीम्स वेरी इजी व्हेन वी लर्न इट, राइट। तो इस डाउट को अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए, ठीक है। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, तो प्लीज़ आप इस डाउट को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट है। नंबर दो, जो क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये सीख सकते हैं, आप में से कोई भी इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। इवन आपको इंग्लिश आती भी है, ये एक डाउट है, एक हेलुसिनेशन। आज के डेट में एवरीबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, हर व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, बट इट इज़ ओनली योर, हाँ, द प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट स्पीडी लॉन्ग टाइम, आप लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, एंड दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग दैट भाई मेरे बस की बात नहीं, इट इज़ आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी। तो ऐसी बात नहीं है, यू कैन ऑल्सो लर्न इट। डाउट नंबर थ्री, हम इसको सीखें कैसे या सीखे कहाँ से। देखिए, नाउ डेज यू आर हैविंग मल्टीपल सोर्सेज, आप कहीं से भी इसे सीख सकते हैं। जस्ट यू नीड वन थिंग, आपको सीखने के लिए ये एक जो चीज़ ज़रूरी है वो है डिज़ायर फॉर लर्निंग प्लस पेशेंस। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, यू कैन लर्न एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। इफ यू हैव टू थिंग्स, डिज़ायर, पैसन फॉर लर्निंग प्लस पेशेंस, हर काम के लिए पेशेंस चाहिए। इन द सेम वे फॉर स्पोकन इंग्लिश आल्सो, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, राइट। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिज़ायर एंड एक्सट्रीम पैसन फॉर दैट एंड पेशेंस। तो अगर ये दोनों हैं आपके पास तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इट। नंबर नेक्स्ट जो ये है कि हम इंग्लिश सीखें कहाँ से, इसका सलूशन ये है कि आप कोई भी एक्स सोर्स पकड़ लीजिए, देर आर सो मेनी चैनल ऑन यूट्यूब दैट यू कैन कैच, यू कैन फॉलो माई चैनल ऑल्सो, देयर आई यूज टू अपलोड वीडियो, आई यूज टू टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन स्पोकन इंग्लिश, इवन आई हैव स्टार्टेड क्लासेस ऑल्सो फॉर द स्पोकन इंग्लिश, यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग डे बाई डे, राइट। सो फॉर दोज हु आर विलिंग टू स्पीक, अब यहाँ पे देखो स्पीकर्स की तीन कंडीशन है अगर देखा जाए तो। नंबर वन, जिसको इंग्लिश एकदम नहीं आती, मीन्स ही इज़ अंडरस्टैंडिंग बट वो
द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, पहली कंडीशन ये है। अगर हम इंग्लिश अब कंडीशन को डिवाइड करें तो इसके थ्री लेवल हैं ए बी सी। अगर सी लेवल की बात करें, सी लेवल में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वो इंग्लिश को समझ तो जाते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। नंबर बी लेवल, लेवल नंबर बी इज़ व्हाट, सेकंड लेवल। इसमें वो सारे लोग हैं जो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्लस स्पीक भी, वो बोलते भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो आफ्टर स्पीकिंग अ फ्यू सेंटेंस आप रुक जाते हो या आपको लगता है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, जिसको आप सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम होती है और आप बीच में रुक जाते हैं। लेवल नंबर ए या कैटेगरी फर्स्ट आप कह सकते हैं, इस लेवल में बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते तो हैं बट दे फील नर्वस, दे फील लैक ऑफ, जो बोलते वक्त नर्वस हो जाते हैं या फिर कभी कभी बोलते वक्त उनको लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया उनकी डाटा, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, तो इस तरह की कंडीशन या कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये है लेवल, ये तीन लेवल हम डिवाइड कर सकते हैं। लेवल वन जो बोलते हैं पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेवल टू जिनको समझ में तो आता है और थोड़ा बहुत बोलते हैं, कुछ डाउट्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, और लेवल नंबर सी मतलब लेवल नंबर थ्री, ये सबसे नीचे का लेवल है जो जिनको इंग्लिश समझ में आती है। इसमें दोनों आते हैं, जिनको थोड़ी इंग्लिश समझ में आती है, उनको नहीं समझ में आती। अब ये तीनों कैटेगरी को अगर देखा, ध्यान से देखा जाए तो देखो इसमें जो लेवल नंबर थर्ड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना है, लेवल नंबर टू को थोड़ा सा उससे थोड़ा कम, और लेवल नंबर वन को थोड़ा कम करना है, रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि जो लेवल वन पे होगा डेफिनेटली उसकी कंडीशन लेवल थ्री से बेहतर होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना एफर्ट को लेवल वन वाला भी अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकता है, ही हैव टू ऑल्सो वर्क फॉर इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल। चलिए अब थ्री फंडे, थ्री थिंग्स बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्या करें आप, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन, अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दीजिए, रिमूव द डाउट फ्रॉम योर माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी ग्रामर के कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ें जो आपको हेल्प करेंगे आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है। क्या कुछ है वो चैप्टर, मैंने आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन अ वीडियो, आप उसको चेक करिए मेरी प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें हमें, क्या चैप्टर्स हमें ग्रामर से पढ़ने हैं। यू शुड गो अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। नंबर थ्री, यू शुड, जो तीसरी थिंग आपको करनी है वो है आपको वोकैब प्रिपेयर करना है, क्योंकि बाई प्रिपेयरिंग वोकैब आप अपनी कम्युनिकेशन, आप अपनी वर्ड बैंक को आप बढ़ा लेंगे, और स्लोली स्लोली आप देखेंगे बाई डूइंग ऑल दिस थ्री थिंग्स, लाइक बाई प्रिपेयरिंग लिटिल ग्रामर, बाई लर्निंग वर्ड्स एंड बाई, और आपको प्रैक्टिस करना है, बीच बीच में आपको बोलते रहना है। ऐसा नहीं कि आप ये तीनों काम ना करें और आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, तो यू डू हैव टू डू दीज थ्री थिंग्स इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्टाइल, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप दैट आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, आप इसमें प्लीज़ थिंक ओवर इट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड यू कैन फॉलो माई चैनल ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन, बिकॉज आई कीप अपलोडिंग ऑन द वीडियो बेस्ड ऑन स्पोकन इंग्लिश एंड अदर एसेंशियल टॉपिक बेस्ड ऑन इंग्लिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप सोचिए, वर्क करिए और इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड गुड बाय।